हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज वीडियो जो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो भाई आज इस वीडियो में आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के जितने भी वॉर्निंग लाइट्स होते हैं ना सबको जो एक्सप्लेन करने वाला हूं। क्यों भाई, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ऐसे बहुत सारे वॉर्निंग लाइट्स होते हैं जिसको आप अगर इग्नोर कर देते तो भाई आपकी गाड़ी का इंजन सीज वगैरह भी हो सकता है। तो भाई आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ऐसा कौन सा लाइट्स आता है जिसके आने के बाद भी अपनी गाड़ी को ड्राइव कर सकते हो, और ऐसे कौन से लाइट्स है जिसको देखते ही आपको अपनी गाड़ी का इंजन तुरंत तुरंत स्टॉप कर देना चाहिए चाहे आप कहीं पर भी हो। तो भाई एक एक चीज आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लाइट के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको जो है इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहला वार्निंग लाइट जो होता है ना अपनी गाड़ी का, वो जो होता है सबसे पहले जो है मैं ये बता देता हूँ कि आपको जो है कौन से वार्निंग कौन से कलर के वार्निंग लाइट्स पे आपको गाड़ी रोक देनी चाहिए। तो भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दो कलर के जो है वार्निंग लाइट्स आते हैं। एक बार मैं चाबी ऑफ करके ऑन करके दिखाता हूँ। जैसे ऑफ किया ऑन किया तो भाई देख सकते हैं कुछ रेड कलर के भी है और कुछ जो है येलो कलर के भी है। तो भाई आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो इस कंडीशन में आपको अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कोई भी रेड कलर का लाइट दिखता है तो भाई आपको जो तुरंत के तुरंत वहीं पे गाड़ी का इंजन स्टॉप कर देना है। अगर आप जो है इसको देखते हुए भी अगर इग्नोर करोगे रेड कलर के वॉर्निंग लाइट्स को तो भाई आपकी गाड़ी का इंजन जो है डायरेक्टली स्विच हो जाएगा। और सेकंड चीज जो अपने गाड़ी में मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, येलो कलर के लाइट्स होते हैं। तो भाई आप ड्रेस ये देखते हो एक येलो कलर की लाइट है और एक जो है ये येलो कलर की लाइट है। लेकिन भाई आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो इस कंडीशन में आपको जो अपनी गाड़ी में येलो कलर के वॉर्निंग लाइट देखने को मिलते हैं तो भाई इस कंडीशन में अपनी गाड़ी को आप ड्राइव कर सकते हो, आपको जो कोई भी ज्यादा इशू नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आपको जो कोई भी मेजर इशू नहीं होगा। अगर आपकी गाड़ी में कुछ भी अगर येलो कलर का लाइट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी का कोई सेंसर वगैरह जो है वर्क नहीं कर रहा है, या फिर हो सकता है कि आप गाड़ी के सेंसर वगैरह का वायरिंग जो है कर चुका है। तो भाई ये आप कहीं पे भी रुक के किसी भी मैकेनिक के पास गाड़ी को स्कैन करवा के इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करा सकते हो। लेकिन भाई अगर आपको जो है वार्निंग लाइट में, अब मैं आपको जो है एक एक करके जो है रेड कलर वाले वार्निंग लाइट्स को एक्सप्लेन करता हूं। तो फिर से चाबी ऑफ करता हूं। जैसे ही चाबी ऑन कर, अगर आपकी गाड़ी पे अगर ये ऑयल वाला अगर लाइट आता है तो भाई समझ जाना कि आपकी गाड़ी का जो ऑयल लेवल है वो लो हो चुका है। आपकी गाड़ी का जो ऑयल है ना जलावल जो होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपकी गाड़ी में 3 लीटर का ऑयल डलता है तो भाई आपकी गाड़ी का जो ऑयल लेवल है ना काफी ज्यादा कम हो चुका है। शायद वो 1 लीटर भी हो चुका होगा, चाहे वो 1.5 लीटर भी हो चुका होगा। अगर इस कंडीशन पे ये गाड़ी वाला लाइट आ रहा है ऑयल वाला, इस कंडीशन पर आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो तो भाई आपकी गाड़ी का इंजन जो 100% सीज हो जाएगा। लेकिन भाई अगर आपको अपनी गाड़ी का इंजन सीज होने से बचना है तो जैसे ही ये लाइट आया, जैसे आपको लगता है कि यहाँ पे ऑयल का लाइट आ गया, आपको तुरंत गाड़ी का इंजन ऑफ करना है और तुरंत आपको गाड़ी के बोनट ओपन करके आपको ये चेक करना है कि अभी गाड़ी में इंजन ऑयल का लेवल कहीं डाउन तो नहीं है। अगर गाड़ी में इंजन ऑयल का लेवल डाउन होगा इस कंडीशन पे ही आपका जो है ऑयल वाला लाइट आएगा। उसके बाद जो यहाँ पे लाइट आता है वो एक आता है बैटरी का। अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो इस कंडीशन में आप गाड़ी पे अगर बैटरी का लाइट आ गया तो भाई इसका मतलब ये है कि अभी गाड़ी का जो चार्जिंग सिस्टम है ना वो वर्क नहीं कर रहा है, चार्जिंग सिस्टम अभी गाड़ी का फेल हो चुका है। अब मैं बता दूं कि एक्चुअली चार्जिंग सिस्टम अगर फेल होता है तो क्या दिक्कत आता है। तो भाई क्या होगा, अभी गाड़ी का जो बैटरी है ना, अब जैसे आप सेल्फ लेते हो तभी अभी गाड़ी का बैटरी का पावर कंज्यूम होता है, लेकिन भाई जैसे ही गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो जाता है ना उसके बाद गाड़ी का इंजन जो है वापस से बैटरी को चार्ज करने लगता है। अभी गाड़ी के जितने भी इलेक्ट्रिकल्स वर्क कर रहे हैं ना वो जो है बैटरी की पावर से वर्क नहीं करते, मतलब कि बैटरी की पावर से तो वर्क करते हैं लेकिन भाई उस टाइम पे क्या होता है बैटरी जो है साथ के साथ चार्ज भी हो रहा होता है। लेकिन भाई अगर अभी अगर बैटरी का लाइट आ गया, इसका मतलब ये कि अभी गाड़ी का जो बैटरी है वो चार्ज नहीं हो रहा है और अभी गाड़ी तब तक चलेगी जब तक आपकी गाड़ी के बैटरी पे चार्ज है। मतलब कि गाड़ी जो मुश्किल से मुश्किल जो है 30-40 किलोमीटर चलेगा उसका आपकी गाड़ी का इंजन जो है, मतलब कि आपकी गाड़ी का जो बैटरी है वो डेड हो जाएगा। जैसे ही गाड़ी का बैटरी डेड होगा सेंसर वगैरह में पावर नहीं जाएगा, गाड़ी का इंजन जो तुरंत स्टॉप हो जाएगा और दोबारा स्टार्ट नहीं होगा। तो भाई अगर आपकी गाड़ी पे यहाँ बैटरी का लाइट आ रहा है तो भाई आपको जो नियरेस्ट अपने मैकेनिक के शॉप पे जाना, जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी जाना है, क्योंकि भाई गाड़ी की जो बैटरी लो होगी गाड़ी का इंजन जो है ऑफ हो जाएगा। तो भाई तुरंत की तुरंत आपकी गाड़ी का अल्टरनेटर वगैरह चेक कराना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है भाई गाड़ी का अल्टरनेटर खराब हो जाता है या फिर गाड़ी का जो बैटरी चार्जिंग सिस्टम का जो कोई वायरिंग है ना वो फॉल्ट होता है, जिसकी वजह से ये रेड लाइट आपको देखने को मिलेगा। तो ये दो लाइट जो होता है ये जो कभी ज्यादा मेजर होता है। उसके बाद देख सकते हो तीसरा लाइट जो है अपना ओवर हीटिंग वाला लाइट है। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो इस कंडीशन पे आपको ओवर हीटिंग वाला लाइट नजर आता है तो भाई आपको जो है तुरंत के तुरंत गाड़ी का इंजन ऑफ कर देना है, और इसका मतलब ये कि अभी गाड़ी का इंजन जो ओवर हीट हो चुका है। तो भाई इसको कैसे चेक करते हैं, वो है ये है कि आपको जो अपने गाड़ी के बोनट को ओपन करना है और आपको ये सबसे पहला स्टेप आपको अपनी गाड़ी का कूलर चेक कर रहे हैं। दूसरा चीज ये चेक कर रहे हैं कि अपनी गाड़ी का जो कूलिंग फैन है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, रेडिएटर का जो फैन है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसी दौरान में आपको जो 100% प्रॉब्लम मिलेगा। लेकिन भाई आप देखते हो कि अभी गाड़ी के कूलेंट का लेवल काफी कम हो चुका है, इस कंडीशन पे आप जो अपनी गाड़ी पर कूलेंट ऑफ करके 1-2 घंटे अपनी गाड़ी को रेस्ट देके वापस से गाड़ी का इंजन स्टार्ट करोगे 100% गाड़ी जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई जितने भी रेड लाइट्स आते हैं ना इसको देखते हुए आपको कभी रेड लाइट्स इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको जो गाड़ी का इंजन स्टॉप करके तुरंत के तुरंत आपको जो मैकेनिक को बुला लेना चाहिए या गाड़ी का इंजन दोबारा स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अगर गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दोगे या फिर इग्नोर करके गाड़ी चलाओगे ना तो इसमें गाड़ी का इंजन जो 100% सीज हो ही जाएगा। तो भाई बस मेरे को यही शेयर करना था। अगर अब येलो लाइट में देखते तो ये चेक इंजन लाइट, अगर चेक इंजन लाइट आ रहा है तो भी आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर सकते हो। लेकिन भाई येलो लाइट में एक और लाइट आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है पावर स्टीयरिंग का लाइट। अगर आपकी गाड़ी पर पावर स्टीयरिंग का लाइट आ रहा है इसका मतलब यह है कि भाई आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग जो है स्टीयरिंग मोटर जो है वर्क नहीं कर रहा है, पावर स्टीयरिंग वर्क नहीं कर रहा है और आप जो आगे चलाओगे तो भाई आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। क्योंकि भाई अगर आपकी गाड़ी पर पावर स्टीयरिंग है, पावर स्टीयरिंग वर्क नहीं करेगा, एक्सटेंशन में क्या होगा आपकी गाड़ी का जो हैंडल है ना वो हार्ड हो जाएगा, आप जो टर्निंग इजिली नहीं ले पाओगे। तो भाई बस इतनी चीज़ों को ध्यान रखना है। ये येलो लाइट्स आते हैं तो आप गाड़ी को चला सकते हो, लेकिन भाई रेड लाइट अगर आ रहा है तो भाई आपको बिल्कुल भी नहीं चलाना है, तुरंत गाड़ी का इंजन स्टॉप करके रख देना है। सो गाइस आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, क्योंकि इस अगर इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। थैंक यू।